अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि अक्सर लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो MNAs और MPAs हैं वो यहाँ पर लोगों को ये लेकर इकट्ठा नहीं कर रहे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो पहली बात यह है कि पार्टी की जानिब से कोई हिदायत ऐसी MP MNAs को नहीं दी गई कि वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा लेकर आएँ। इसकी वजह यह है कि हमारी पार्टी जो है वो शुरू से मियाँ नवाशी साहब और मियाँ शबाशी साहब का स्टाइल डिफरेंट है। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, हम नहीं चाहते कि हम इतनी बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठी करें कि यहाँ पर मरीजों के दाखिले में आमदरफ में कोई प्रॉब्लम हो। ये जो साथी आए हैं ये अपनी मोहब्बत से आए हैं, ये किसी के बुलाने पे नहीं आए, ये जितने लोग खड़े हैं ये अपनी मोहब्बत से आए हैं, मियाँ साहब के इश्क में आए हैं, इनको कोई किसी किस्म की किसी ने कॉल नहीं दी। तो ये एक अनऑर्गनाइज समझ लें कॉल है, कोई बेसिक कॉल नहीं है। तो जब अगर पार्टी लीडरशिप जहाँ आप देखें अभी 31 तारीख की कॉल है, इंशाल्लाह जब उस कॉल पे आप तो आपके ख्याल में बड़ी तादाद में लोग होंगे जब मौलाना फजल रहमान के लिए बात तो हमारे कायद के हुक्म की है, मियां नवाज़ साहब का हुक्म आ चुका है, हम इस्लामाबाद के जलसा में शरीक होंगे और 31 तारीख को इंशाल्लाह आपको मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की वो तादाद नजर आएगी कि इंशाल्लाह ताला सरप्राइजिंग तादाद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।